Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 किया था, दैट इज मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी। ये वाला सेशन हमने कवर अप कर लिया था। आज के वीडियो में हम करने वाले यूनिट 4 का नेक्स्ट सेशन, दैट इज प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। टोटल 3 चैप्टर्स या फिर आप कह सकते हैं 3 सेशंस आर देयर इन दिस यूनिट। एक हमने कवर अप कर लिया, एक इस वीडियो में कवर अप करेंगे और एक हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे, राइट। एंड दीज आर द वेरियस सब टॉपिक्स जो आपको करिकुलम में मेंशन है कि आपने क्या क्या करना है। एक्सीडेंट्स पढ़ना है, क्या होता है इमरजेंसी, क्या होता है प्लस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, टाइप ऑफ इमरजेंसीज क्या है, प्लस यू हैव टू सी कि हाउ टू हैंडल द एक्सीडेंट्स। तो कर देते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। ऊपर टॉप पर आपको सोशल हैंडल्स के लिंक्स गिवन है। फर्स्ट वन इज़ द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। दिस इज़ द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारी आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। थर्ड वन इज़ द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके DM कर सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। प्लस इससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं वो मैं सारे के सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी। जो आपके प्लेलिस्ट के लिंक हो गए, PDF के लिंक हो गए, जो आपकी CBSE स्टडी मटेरियल है, करिकुलम है, एवरीथिंग, जितने भी लिंक्स हैं, इवन इन नोट्स को परचेज करने का जो लिंक है, सारे के सारे जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी। सो मेक श्योर कि आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करें, राइट। तो स्टार्ट कर देते हैं हम सबसे पहले एक्सीडेंट से कि एक्सीडेंट क्या होता है। देखो, एक्सीडेंट ऑल ऑफ सडन होता है, इट्स नॉट प्लान्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कार जा रही है, एक ट्रक आ रहा है, वो प्लान कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट नहीं होता, फिर एक मर्डर कह सकते हो आप होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से हो जाता है अचानक से, एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट और आउटकम, और उसका जो रिजल्ट होता है वो जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हम नहीं चाहते वो होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो आपका एक्सीडेंट है, दिस इज एन अनप्लान्ड, हमारा कोई प्लान नहीं होता, हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता, अनफोर्सीन इवेंट होता है जिससे जो है सामने वाले को इंजरी हो सकती है, उसको हार्म होता है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स में अब देखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारा वर्क प्लेस एरिया से रिलेटेड है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा वर्क प्लेस में सेफ्टी, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये सब कैसे मैटर करता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो भी एक्सीडेंट और इमरजेंसीज रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस एरिया ही पढ़ेंगे, राइट। वर्क प्लेस एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कोई भी पर्सन काम करता है। तो वर्क प्लेस एक्सीडेंट जो आपका, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है तो वो कौन कौन सी हो सकती है। या तो कोई फॉल्स हो गया, कोई चलते चलते गिर गया, स्लिप हो गया, राइट, किसी को फ्रैक्चर हो गया, या फिर नी या एल्बो की जॉइंट पेन हो गया, हेड इंजरी हो गई, कोई भी हो गया, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, एक्सीडेंट्स के। तो गेट हेल्प प्रॉम्प्टली एंड इन द मोस्ट सुटेबल वे, फॉलो द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। देखो, कुछ टाइप का ना ये फिक्स रहता है कि अगर इस टाइप का एक्सीडेंट है, इस टाइप की इमरजेंसी है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ये आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज होती है उसमें मेंशन होता है, अदरवाइज जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं उनको इस चीज़ के लिए ट्रेंड भी किया जाता है। प्रॉम्प्टली एक्ट एज पर द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है, बिकॉज जो गाइडलाइंस में पॉइंट्स मेंशन होते हैं वो काफ़ी सोच समझ करके, विचार करके फिर ही एक गाइडलाइंस, एक पॉलिसी रेडी होती है। तो अगर कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी होता है तो यू हैव टू प्रॉम्प्टली एक्ट एज पर द गाइडलाइंस, एंश्योर दैट यू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड हेल्प एंड सपोर्ट एज लेड डाउन इन द पॉलिसी, कि जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये एक्सीडेंट होने पर आपने ये करना है, इस एक्सीडेंट पर आपने ये पॉलिसी, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो मेक श्योर कि जितना आपसे पॉसिबल हो आप उतना कर सकें। रिमेंबर दैट ओनली प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स मे बी ऑथराइज टू टेक डिसीजन। अगर आपको ऑथराइज अथॉरिटी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आपको डिसीजन ले सकें, तो मेक श्योर कि आपके जो सुपरवाइजर हैं, जिनको अथॉरिटी है, आप उनको इन्फॉर्म करें। फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी वाइल वेटिंग फॉर हेल्प टू अराइव, मीन्स जब तक हम सोच रहे एक्सीडेंट हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि कोई आएगा हेल्प के लिए,
तब तक के लिए ऐसे वेट तो नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धर के भी नहीं बैठ सकते, ठीक है। उस टाइम पर हमें कंपनी की कुछ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है। इफ़ समवन इज इंजर्ड डू नॉट एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गट फीलिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमें इसका ये करना चाहिए, नो ठीक है। गट फीलिंग या फिर अगर आपकी कुछ इंटरनल फीलिंग वैसा कह रही है वो नहीं करना है। गो एज पर द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉर टेकिंग टैकलिंग इंजरीज, आपके जो भी पॉलिसीज में गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी आपने फॉलो करनी है। उस टाइम पर मेक श्योर कि हैव टू स्टे काम और जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट विद इन ऑथराइज्ड लिमिट, अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, आप सर्टिफाइड हैं उस चीज़ के लिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको जिसको अथॉरिटी मिली हुई है कोई प्रोफेशनल्स हैं उनका वेट हमें करना चाहिए। एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी व्हेन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज अराइज, राइट। प्रॉम्प्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीनियर स्टाफ एंड द इमरजेंसी सर्विसेज, जो भी आपको सीनियर स्टाफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप सीनियर स्टाफ ने वो जो है सब पढ़ रखी है गाइडलाइंस पॉलिसीज, तो वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एज वेल। उस टाइम पर आपने कोई बहस नहीं करनी होती किसी से, राइट, बिकॉज किसी की जिंदगी का सवाल होता है। नाउ कितने टाइप के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्लिप्स एंड फॉल हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल डिजीज हो गई, इलनेस हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, क्लिनिकल एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट रिलेटेड कोई इंजरी होगी, काफ़ी इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। तो हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज ट्रिप एंड फॉल, फॉलिंग ऑफ गुड्स, स्लिप एंड फॉल, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, एलिवेटर्स और लिफ्ट। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिप एंड फॉल। ट्रिप एंड फॉल का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज कैन ट्रिप और केयरलेसली लिफ्ट लूज मटीरियल एंड फॉल डाउन, कि कुछ मटीरियल लूज है या तो कोई वायर लूज है या कुछ सामान ऐसे आधा आपने बिखरा छोड़ दिया, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई गिर जाता है स्लिप हो जाता है तो वो आपका तो भी एक्सीडेंट ही एक एक्सीडेंट है ये, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फ्रैक्चर हो सकता है, किसी का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट मे रिजल्ट इन सिंपल ब्रेसिस टू सीरियस फ्रैक्चर, सिंपल ब्रेसिस मीन्स थोड़ा बहुत आपको मार्क पड़ जाना वहाँ पर। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्लिप एंड फॉल, गिर करके एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये भी कोई हंसने वाली बात नहीं, गिरने से कैसे एक्सीडेंट हो जाता है। स्लिप्स आर मेनली ड्यू टू अगर कोई फ्लोर गीला है, वेट है, किसी ने कोई लिक्विड गिरा दिया, कोई केमिकल गिरा दिया, या कोई स्लिपरी शूज़ किसी ने वेयर कर रखे, कोई भी कारण हो सकता है, या कोई स्लिप कॉजिंग मटीरियल है जिससे फर्श फिसलना हो गया है, तो इन सब की वजह से जो आपके एम्प्लॉयज हैं स्लिप एंड फॉल के शिकार हो सकते हैं। इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, ये आपका नेग्लिजेंस की वजह से होता है कि आप अगर वेट फ्लोर है मेक श्योर कि आपका फ्लोर ड्राई हो, नीचे कोई लिक्विड ना गिरे, कोई स्लिप कॉजिंग मटीरियल ना यूज़ करें। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ब्रोकन और अनइवन वॉकिंग सरफेस, अगर जो चलने वाला सरफेस है वो उबड़ खाबड़ नहीं है, फ्लैट है तो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है एलिवेटर्स और लिफ्ट, तो एलिवेटर्स और लिफ्ट में क्या है, इंजरीज कैन बी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन एस्केलेटर्स एंड गेटिंग हर्ट। एस्केलेटर पे मींस कोई फर्स्ट टाइम चढ़ रहा है तो हो सकता है उसको इंजरी हो जाए, आपकी एमएनसी में हो सकता है एस्केलेटर हो या कोई भी वर्क प्लेस एरिया हो, लिफ्ट हो, किसी को लिफ्ट ना ऑपरेट करने आ रही है, लिफ्ट में एकदम से कुछ हो जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, एलिवेटर्स और लिफ्ट के कारण एक्सीडेंट। पीपल मे बी इंजर्ड इन एलिवेटर्स बाय फॉलिंग डाउन ड्यू टू सडन जर्किंग मूवमेंट, कोई होगी एलिवेटर में तो भी वो धड़ाम से गिर जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉलिंग ऑफ गुड्स, फॉलिंग ऑफ गुड्स मीन्स कि कोई बहुत सारा सामान उठा करके जा रहा है फिर कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। गुड्स कैन फॉल ऑन पीपल फ्रॉम शेल्फ्स और वॉल हैंगिंग्स एंड इंजर देम, शेल्फ से कुछ गिर गया या कुछ वॉल पर लगा हुआ था तो गिर गया। दिस टिपिकली हैपन्स इफ पीसेज ऑफ गुड्स हैव बीन पाइल्ड इम्प्रॉपरली, ये तभी होता है जब आपने जो गुड्स एक के ऊपर एक रखे हैं स्टैक करके रखा है वो अच्छे से आपने उसको मेंटेन करके नहीं रखा। नेक्स्ट आता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, आप कोई ट्रॉली में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो सकता है वो अच्छे से आपने ऑब्जेक्ट्स को सेट ना किया हो तो वो गिर जाए। अब बारी, अब तक तो हमने सारा पढ़ा कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, अब बारी आती है कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको हैंडल कैसे करें, हैंडलिंग भी आनी चाहिए। एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल्ड कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर्स। उस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सामने वाले पर्सन को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है, ना हमें उस टाइम गट फीलिंग पर अपना बिलीव करना है, हमें उस टाइम पर जो भी हमें लगता है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो चीज़ सोचनी है। अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली,
आप अपना जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर सपोज कोई स्विमिंग पूल में डूब गया है तो हमें किस तरीके से चेस्ट प्रेस करके पानी बाहर निकालना है, या अगर किसी को लैक में इंजरी हो गई है, नेक में इंजरी हो गई है तो किस तरीके से उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, ये सारा हम वहाँ पर कर सकते हैं। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, जो भी आपको लगता है कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, इसको इंजरी क्या क्या हुई, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है, तो मेक श्योर कि यू आर कॉलिंग योर सुपरवाइजर जिनको इन सब के बारे में नॉलेज हो, सो दैट जो भी आपका विक्टिम है वो सुपरवाइजर उनको अटेंड कर सके। नेक्स्ट है असिस्ट योर सुपरवाइजर। अब आपके सुपरवाइजर आ गए, ठीक है, मेक श्योर कि आपको ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है, नो, उसको असिस्ट करें, उनकी हेल्प करें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP। SOP में स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग, हर एक के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं कि यही हमें फॉलो करने हैं। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, सेफ्टी मेजर्स को हमें अच्छे से प्लेस करना है। कोई भी अगर आपकी इंजरी होती है, कोई मेडिकल टीम है, हमें उसको हेल्प के लिए बुलाना है इमीडिएटली, और अलर्ट रहना है हर टाइम, ठीक है। अब बारी आती है एमरजेंसी क्या होता है। देखो एक्सीडेंट तो क्या है कि हाँ वो चीज़ ऑल ऑफ सडन हैपन हो चुकी, अब एमरजेंसी इज अ सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, कि एक्सीडेंट होने के बाद अब एक एमरजेंसी सिचुएशन है कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी है, राइट। तो ये डिफरेंस रहता है एक्सीडेंट में और एमरजेंसी में। एक्सीडेंट मीन्स कि वो जो इवेंट है वो हो चुका, एमरजेंसी की मीन्स अब एमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब ऑल ऑफ सडन मुझे क्या चीज़ करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर हैविंग अ हार्ट अटैक और सडन आउटब्रेक ऑफ फायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है। चलिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि आपको इमरजेंसी को अच्छे से हैंडल करना है, सो दैट जो आपके पर्सन जिसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जो था उसको ज़्यादा मीन्स उसके लाइफ के लिए ज़्यादा खतरा ना हो। वन मस्ट बी अलर्ट टू नोटिस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज, काफ़ी सारी टाइप की इमरजेंसीज आप लोग पढ़ोगे आगे, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। कहीं पर आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, ये एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये टेररिस्ट अटैक हो रहा है, बट उसके बाद जो सिचुएशन है ना कि हाँ ये चीज़ हो गई, अब हम हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, अब हम क्या करें, दिस इज नोन एज द इमरजेंसी, राइट। सो ऑल दीज आर योर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, फायर, टेररिस्ट अटैक, ड्रॉट, पेंडेमिक, लीकेज ऑफ सम हैज़ार्डस, गैस, फ्लड्स, थंडरस्टॉर्म, केमिकल स्पिल्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करते हैं, शुड बी क्विकली एक्सेसिबल टू द एम्प्लॉयज। अब ऐसा नहीं हो कि आपने जो फर्स्ट एड किट बना रखी है वो हमें पता ही नहीं कहाँ पर है, अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई हम लोग उस टाइम पर फर्स्ट एड किट ढूंढ रहे हैं, अरे आपने देखा फर्स्ट एड किट का, अरे आपने देखा और वो किसी को मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी फर्स्ट एड किट रखने का क्या फ़ायदा, मेक श्योर कि वो आपका इजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है, एंड इट शुड कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट आइटम्स फॉर फर्स्ट एड रिक्वायर्ड टू डील विद जो कॉमन प्रॉब्लम्स। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट एड किट में हम सब कुछ रख सकते हैं, बट जो आपको लगता है कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, बैंडेड हो गई, पट्टी हो गई, बिटाडीन लोशन हो गया, बैंडेड हो गई, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लगता है वो आप फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। प्लस मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम उनके मेडिसिन की एक्सपायरी डेट भी चेक करते रहें। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अगर किसी को शॉक लग गया इलेक्ट्रिसिटी से, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अपना वाटर और फूड दूर रखें, वाटर और फूड आइटम्स को दूर रखें, और जो भी इलेक्ट्रिकल स्टाफ है और इंजीनियर्स हैं शुड कैरी आउट रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द वायरिंग्स टू मेक श्योर देर आर नो डैमेज और ब्रोकन वायर, कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टाफ है, उनको डेली ये ड्यूटी दे दी जाती है कि आपने 9 to 10 या कोई भी टाइम हो गया मॉर्निंग में इंस्पेक्शन करने की, कोई वायर ख़राब तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, अगर है तो इमीडिएटली उसको क्या कर देना है, रिपेयर कर देना है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसको रिप्लेस कर देना। कीप अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू कॉल ड्यूरिंग एमरजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मुझे किन किन नंबर्स को कॉल करना है, सपोज कोई हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई उसको पता ही नहीं फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए क्या नंबर है, एम्बुलेंस को बुलाना है तो क्या नंबर है, तो आप एक पेपर पे रख करके उसको कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट जो आपके इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आपके इजीली एक्सेसिबल हों। रेगुलरली चेक दैट ऑल इमरजेंसी हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, आर इन वर्किंग कंडीशन, कि जो भी आपके की मीन्स जो ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आने पर मैं यूज़ करूँगी वो आपके सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि फायर एक्सटिंग्विशर रखा तो है बट
वो पता ही नहीं है कि यूज़ कैसे करना है, या फिर वो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है, ख़राब हो चुका है, राइट? तो ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है. एनश्योर दैट एमरजेंसी एग्जिट्स आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड एंड कीज़ टू सच एग्जिट्स आर इजीली एक्सेसिबल. मीन्स कि आपके हर जगह पर एमरजेंसी एग्जिट बना होता है, कि अगर इनकेस कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपका ये एग्जिट एमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा है, यहाँ से आप डोर से बाहर जा सकते हो. बट ऐसा ना हो कि एमरजेंसी एग्जिट वाले दरवाजे पर, क्योंकि जनरली बैक साइड पर होता है, तो ऐसा भी ना हो कि वो मीन्स वो सारा भरा पड़ा, उसके आगे कुछ सामान पड़ा हो, बॉक्सेस रखी हों, या उसकी कीज़ ही नहीं मिल रही है कहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नेवर प्लेस एनी ऑब्जेक्ट्स नियर द एमरजेंसी डोर और विंडोज़. आपको एमरजेंसी डोर या विंडो के आगे कोई भी सामान नहीं रखना है, बिकॉज उससे क्या होगा, अगर सामान पड़ा होगा जाने में प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा, और वो तो है ही एमरजेंसी एग्जिट, वहाँ से जाने में टाइम नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट है इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन क्या होता है कि इन एन एमरजेंसी सिचुएशन मुझे वो रूम एकदम से खाली कराना है, तो इसको हम बोलते हैं इवैक्यूएशन. इन केस ऑफ एमरजेंसी देर शुड बी प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन एमरजेंसी ऑफ डिजास्टर. कि कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी डिजास्टर हो जाता है, तो मुझे वो रूम को एकदम से खाली कराना है. दिस इज नोन एज द इवैक्यूएशन. अब इवैक्यूएशन का प्रोसीजर क्या रहता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ना अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं इवैक्यूएशन को लेकर के. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज प्रोसीजर्स एंड फॉलो देम प्रॉपरली ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इवैक्यूएशन. आप सभी को, जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में, उन सबको वो जो इवैक्यूएशन के पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए, प्लस उनको फॉलो कैसे करना है, वो सारी गाइडलाइंस भी उन्हें पता होनी चाहिए. तो इवैक्यूएशन के स्टेप्स क्या क्या हैं? लीव द प्रीमाइसेस इमीडिएटली एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट एमरजेंसी एग्जिट. कि इनकेस अगर कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर आप हैं प्रीमाइस में, वहाँ इमीडिएटली वहाँ से भाग जाएं, और जो भी आपका एमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पर पहुँच जाएं. गाइड योर कस्टमर्स टू द एमरजेंसी एग्जिट. अगर किसी को नहीं पता है कहाँ जाना है, ऐसे भगदड़ मच गई है, तो प्लीज़ गाइड देम कि वो आपका एमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पर पहुँच जाए. इफ़ पॉसिबल असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स द एमरजेंसी एग्जिट. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशल नीड पर्सन है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो मेक श्योर कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसको एमरजेंसी एग्जिट तक लेकर के जा रहे हैं. यू मे कैरी योर हैंड हेल्ड बिलोंगिंग्स एज यू मूव टुवर्ड्स द एमरजेंसी एग्जिट. अगर आपके पास कोई बिलोंगिंग्स, आपका कोई सामान है जो आपको लगता है कि लेके जाना चाहिए, आप वो लेके जा सकते हो. डू नॉट यूज द एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड गेटिंग ट्रैप्ड. इन केस देयर इज अ पावर फेलियर, यूज द स्टेयर्स. नेक्स्ट मेरे पास आता है फायर हजार्ड इन द वर्क प्लेस. फायर हजार्ड मीन्स कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या आग लग गई. वर्क प्लेस फायर्स आर ऑल्सो कॉमनली कॉज्ड बाई इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटीरियल और कम्बस्टिबल डस्ट. जो आपके फ्लेमेबल मटीरियल होते हैं, कम्बस्टिबल डस्ट होते हैं, अगर हम उनको ठीक से स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर आपके आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है. बोथ आर डेंजरस एंड शुड बी प्रॉपरली हैंडल्ड एंड स्टोर. अब देखो, आग लगाने से हम कैसे बच सकते हैं? फायर प्रिवेंशन. ऑल एम्प्लॉयज मस्ट नो कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर है और उसको यूज़ किस तरीके से करना है. नेवर ब्लॉक एक्सेस टू एग्जिट. जो आपका एमरजेंसी एग्जिट एरिया है, उसको हमें ब्लॉक करके नहीं रखना है. ब्लॉक करके इन द सेंस कि उसके आगे फालतू का सामान नहीं रखना है. फायर एक्सटिंग्विशर आपको ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए. डू नॉट ब्लॉक और स्टैक मटीरियल अगेंस्ट डोर्स विच वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉपरली इन इवेंट ऑफ अ फायर. ठीक है. और ये आपके जो स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, ये आपको जो फ्लेमेबल मटेरियल है उनको यूज़ नहीं करना है. मेक श्योर कि जितने भी इक्विपमेंट है प्रॉपरली ग्राउंडेड हो, वेयर नीडेड ग्राउंड वायर लगी हो. फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली. प्लस आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर भी है ये वर्किंग कंडीशन में भी है. अब एम्प्लॉयज़ को चलाना ही नहीं आता, तो उस एक्सटिंग्विशर को रखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो मेक श्योर कि आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है, सभी एम्प्लॉयज़ को उसको ऑपरेट करना आना चाहिए. अगर सभी को नहीं, तो एटलीस्ट आप एक टीम बना सकते हैं, उनमें टीम लीडर्स जो होंगे उनको आप ट्रेन कर सकते हैं. रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर ऑफ एनी डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फायर प्रिवेंशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट. अगर आपको कुछ भी मीन्स कुछ भी अनयूजुअल सा लगता है, कि आपको लगता है कि आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करनी चाहिए ये चीज़, तो मेक श्योर कि आप उसको इनके बारे में रिपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं. अब हमारे पास ना इसमें आपके पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इग्निशन रिसोर्सेज. तो बेसिकली इसमें क्या है फायर हजार्ड्स इन वर्क प्लेस में आगे, कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होती है, लेट मी शो यू, ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर है. इस पर ये लिखा होता है कि फोर क्लासेस हैं, जैसे क्लास ए, बी, सी और डी. तो कि ये वाली फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास की आग के लिए,
तो बेसिकली जिन जिन चीज़ों से आग लग सकती है ना, वो आपके फोर क्लासेस में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो क्लास ए मटेरियल क्या कहते हैं, मटेरियल सच एज वुड से आग लग गई, क्लॉथ से आग लग गई, पेपर से आग लग गई, विच वॉन्ट इग्नाइट ऑन देयर ऑन बट विल कंटिन्यू टू बर्न वंस एक्सपोज्ड टू अ हीटर सोर्सेस, कि उसमें अपने आप में तो आग नहीं लग सकती, बट अगर आग लग गई किसी हीटर सोर्स की वजह से तो आग को पकड़ लेते, फैलने का खतरा रहता है। तो क्लास ए मटेरियल में ये सारी चीज़ें आएंगी। फायर्स इन ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल मटेरियल सच एज वुड, क्लॉथ, पेपर, रबर, प्लास्टिक, इनकी वजह से कोई आग लग रही तो इसकी फायर एक्सटिंग्विशर अलग होती है। क्लास बी मटेरियल क्या कहते हैं, कोई लिक्विड, ग्रीस, गैस मटेरियल हो गया, दैट बर्न व्हेन एक्सपोज्ड टू इग्निशन रिसोर्सेज, कि कोई भी आपका फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन सबसे रिलेटेड जो आग लगते हैं उसके लिए क्या है, क्लास बी मटेरियल। नेक्स्ट है मेरे पास क्लास सी मटेरियल, इसमें आपका फ्लेमेबल गैसेज हो गए, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी आग लगती है दैट कम्स अंडर क्लास सी मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को इक्विपमेंट हो गए, और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, राइट। क्लास डी मटेरियल क्या, कोई भी आपके वो हो गए लाइक आपका पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कोई बर्निंग मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, सोडियम, ये सारे हो गए, ये सारे आपके आते हैं क्लास डी के अंदर। अब सेलेक्ट द सुटेबल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, हमने क्लास ए बी सी डी पढ़ ली चार क्लास की। अब अगर वाटर और सी ओ टू की टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अगर मैं वाटर सी ओ टू वाली फायर एक्सटिंग्विशर ले रही हूँ तो वो सिर्फ क्लास ए वाले मटेरियल के लिए सुटेबल है, मीन्स अगर वो आग जो है वुड, क्लॉथ, इन सब से लगी है तब वो यूज़फुल है। क्लास बी सी डी मटेरियल में अगर किसी से आग लगी है या पेट्रोल की वजह से लग गई, डीजल की वजह से लग गई, तो ये आपकी वाली जो है सुटेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट है मेरे पास ड्राई केमिकल पाउडर, ये वाले फायर एक्सटिंग्विशर आपकी तब बेनिफिशियल रहेगी जब क्लास बी सी और डी से आपका आग लगी हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हो गई, फिर मैकेनिकल फॉर्म हो गया, ए बी सी ड्राई पाउडर हो गया, जो आपकी सभी चीज़ के लिए क्या है, सूटेबल है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, सी इट इज़ अ प्रोटेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कि अगर आग लग जाती है तो उसको हमें किस तरीके से बुझाना है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके, तो यहाँ पर वो आपकी काम में आती है। तो अगर मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, उसको ऑपरेट करना है, तो बेसिकली फोर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख करके देख सकते हैं कि भाई आपको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेफ्टी पिन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर प्रेजेंट इन इट्स हैंडल, ये हैंडल है, यहाँ पर आपकी एक सेफ्टी पिन होती है। सबसे पहले मैं देखूँगी कि सेफ्टी पिन कौन सी है, फिर मैं अपने सील को ब्रेक करूँगी और सेफ्टी पिन को खींच लूँगी, राइट। सबसे पहले देखोगे सेफ्टी पिन कहाँ पर है, फिर देखोगे अपना जो भी सील है उसको ब्रेक करोगे एंड पुट द सेफ्टी पिन फ्रॉम द हैंडल, जो हैंडल है उसका वहाँ से, ये हैंडल है आपका, यहाँ से आप अपना सेफ्टी पिन को निकाल लोगे। यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर बाय स्क्वीजिंग द लेवल, ये जो आपका प्रेस करने वाला बना हुआ है इसको प्रेस करके हम अपना फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। स्वीप इट फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसे ऐसे करके यूज़ करो। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज, कि अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उस टाइम पर मैं क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकती हूँ। इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स, फर्स्ट वन है अप्रोचिंग द एक्सीडेंट, सबसे पहले तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर पहुँचो, बट वहाँ पर रश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भाग करके नहीं जाना है, बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, जितनी जल्दी हो सके 108 आप कॉल करो, इमरजेंसी नंबर हो गया, और अप्रोच द एक्सीडेंट प्लेस कॉशियसली, कि जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर आप पहुँच जाओ। फिर वहाँ पर सीन, जो मीन सीन इन द सेंस कि जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको अच्छे से एग्जामिन करो, विजुअलाइज करो, टू डिटरमाइन इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट विद एनर्जाइज कंडक्टर, मेटल सरफेस हो गया, ऑब्जेक्ट नियर द विक्टिम इटसेल्फ मस्ट बी एनर्जाइज, कि आग लगी किस वजह से, ठीक है। उस टाइम पर अगर विक्टिम को करंट आ रहा है तो आप उसको मेक श्योर टच ना कर रहे हो अपने हाथों से। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ पॉसिबल, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो हमें उसको बंद कर देना। हजार्ड एंड सॉल्यूशन क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बी अलर्ट फॉर हजार्ड, अलर्ट रहना है आपको अपने हमेशा हर टाइम पे। अगर आप किसी कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दो। इन्श्योर दैट योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। जहाँ पर पॉसिबल हो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करो, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, शूज़ हो गया, ये सब। यूज़ नॉन कंडक्टिव मटीरियल टू रिमूव अ विक्टिम फ्रॉम द कंडक्टर, जो आपका नॉन कंडक्टिव मटीरियल है उसको आपने यूज़ करना।
नेक्स्ट है मेरे पास हाई वोल्टेज रेस्क्यू का, अगर बहुत तेज़ करंट लग जाता है किसी को तो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू हाई वोल्टेज इज प्रेजेंट। अगर हाई वोल्टेज है तो फिर जो आपके इलेक्ट्रिकल स्टाफ है उसको मुझे अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है और वो भी अपना जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहनते हैं। फर्स्ट एड में क्या है, अ विक्टिम मे रिक्वायर कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन मीन्स CPR। अब विक्टिम को CPR चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट एड आप प्रोवाइड करो। अब CPR में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, इफ द विक्टिम इज ब्रीदिंग, अगर वो जो विक्टिम है वो सांस ले रहा है, हार्ट बीट चल रही है उसकी, तो गिव फर्स्ट एड फॉर इंजरीज एंड ट्रीट फॉर शॉक। उसको अपना इंजरी के लिए जो भी फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड करो और फिर उसको जो करंट लगा है उसके उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। एनश्योर द विक्टिम गेट्स मेडिकल केयर एज सून एज पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको घर पे ही रख लिया या फिर वर्कप्लेस एरिया में रख लिया, आपने उसको क्या करना है कि जल्द से जल्द फौरन तुरंत, अगर आपको लगता है उसको मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको उसको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। फिजिशियन अटेंडिंग द विक्टिम मस्ट हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन टू प्रॉपरली डायग्नोस एंड केयर फॉर द विक्टिम। जो फिजिशियन होगा जो उस चीज़ को हैंडल कर रहा होगा, जो डायग्नोस कर रहा होगा, मेक श्योर कि उसको सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, हमारा जो सेकेंड यूनिट सेकेंड चैप्टर है यूनिट 4 का, दैट इज़ प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, वो यहाँ तक कम्प्लीट होता है। इसके बाद हम जो करेंगे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर होगा इस यूनिट का, तो वो है आई थिंक, लेट मी सी, यस, हैज़र्ड से रिलेटेड अ सोर्सेज ऑफ हैज़र्ड, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, तो वो हम करेंगे ये वाला सेशन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।